गोइंग टू द ऑफिस और अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मैंने आपसे करनी थी वो बात यह है कि तुम्हारे भाई ने कुछ नई चीज़ शुरू की है, एक्साइटेड है। वैसी फीलिंग आ रही जैसे ट्वेल्थ के बाद आती थी। बहुत लोग जो ये ब्लॉग देखते हैं मेरा स्टूडेंट होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे। मैंने कंपेरेटिव एग्जाम अपनी लाइफ में दिया था 2004 में, आज की डेट हो गई 2020, 16 साल फर्क हो गया है। पढ़ाई कंप्लीट कर ली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, करियर हो गया। एंड नाउ आई एम 34 एंड अ हाफ एंड द बिग अनाउंसमेंट विच आई वांट टू डू इज कि मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला किया है, दोबारा से स्टूडेंट लाइफ जीने का फैसला किया है। और तुमको अपने भाई की हालत तो पता है, अपन अगर किसी कॉलेज में जाते हैं तो वो अच्छा कॉलेज ही होता है। जब मैंने IIT की तैयारी की थी तो मैंने AIEEE का फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि मुझे IIT में ही पढ़ना था। एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, जो कि अगले साल जून में होगा। दिल्ली में ही रहूँगा, दिल्ली के बाहर नहीं जाऊँगा क्योंकि फैमिली भी यहाँ पे है, मूव करना बहुत मुश्किल है अनलेस लाइफ में कुछ ऐसा आ जाए कि करना पड़े। मैं अभी क्लासेस भी ले रहा हूँ जो मैंने किसी को बताया नहीं था, बट मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा मेरे पेट में ना कुछ बात रहती नहीं। और डेली व्लॉगिंग करते हैं आप लोग घर पे, इधर उधर कैमरा जाएगा, किताब देख लोगे, फिर अटकल लगेंगी, लोग बातें बनाएंगे। तो मैं बता देता हूँ, जो मैं ये रजिस्टर लेके आया था उस दिन लॉग में क्रिकेट खेलने के बाद दुकान पर गया था, तो वो मैं पढ़ाई करने के लिए लेके आया था। ये मेरे नोट्स बन चुके हैं, ये मैं नोट्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे नोट्स बने हुए हैं। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ, काफ़ी सारे नोट्स बना लिए हैं और जोर शोर से पढ़ाई, अरे काफ़ी बन गया यार, जोर शोर से पढ़ाई चल रही है। क्या पढ़ रहा हूँ मैं, क्या पढ़ रहा हूँ, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम की। मैं पढ़ रहा हूँ भाइयों और बहनों लॉ, तो भाई का बुढ़ापे में लॉयर बनने का प्लान चल रहा है अभी। देखो नया नया शौक लगा, कितना चलता है कि नहीं चलता। मेरे को पहले प्लान था कि मैं नेक्स्ट ईयर तक तुम लोग को बताऊँगा कि मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ सॉलिड हो जाए, ऐसा ना हो कि बस 3 दिन पढ़ा छोड़ दिया फिर वो नहीं होता। बट रितु ने कहा कि नहीं आप बता दो लोगों को, क्योंकि वो सही नहीं रहता कि आप कुछ कर रहे हो, आपकी डेली लाइफ का प्लान है। अगर नहीं हुआ आपने तो वो भी शेयर कर देना, तो रियल ही रहना है, जो हो रहा है वो हो रहा है लाइफ में। बट मुझे मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत चीज़ें मैं लॉ की पढ़ रहा हूँ, इंटरेस्टिंग मुझे सही में लगता था इसलिए मैंने शुरू की। और अब लॉ क्यों, क्योंकि आपको पता है एयर एशिया का केस चल रहा था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉ को रेफर करना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि लॉ समझ में नहीं आता था। जैसा हम सोचते हैं कि तर्क वितर्क होता होगा, जैसा हम सोचते हैं कि फिल्मों में होता होगा, वैसा लॉ बिल्कुल नहीं होता। लॉ बिल्कुल अलग होता है, बाय द बुक होता है, बाय द रूल्स होता है। सो अपने जो भी भाई लॉ की तैयारी कर रहे हैं 2021 में, भाई तुम लोग से डायरेक्ट कंपटीशन है मेरा, साथ में एग्जाम देंगे, भाई मजा आएगा। जून में तैयारी करेंगे पेन पेपर दे जाके। और सोचा अगर मेरा हो गया, मतलब जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ भाई, उसमें पूरे इंडिया में लॉ में 2000 सीटें हैं, जिसमें से कि 1000 सीटें तो रिजर्व है, तो 1000 जनरल कैटेगरी के लिए, तो पूरी इंडिया से लोग एग्जाम देंगे और सिर्फ 1000 सीटों के लिए एग्जाम होगा, तो मज़ा आ रहा है। लॉ का पेपर होता है वो मेन होता है, बाकी मैथ्स का पेपर होता है, मैथ्स ऊपर निपटा देंगे भाई। और इंग्लिश का पेपर होता है जो कि अभी मैंने इंग्लिश और मैथ्स पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉ पर ध्यान दे रहा हूँ। और जो किताब मैं रेफर कर रहा हूँ वो ये वाली है, CBSE की लीगल स्टडीज़ किताब है, उस वाल की, जिसमें कि पहला चैप्टर अभी मैं कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे भी देखो, काफ़ी नोट्स वोट्स बना लिए मैंने। तो प्लान है भाई काला कोट पहनने का, अगले साल अगर हो गया तो मुन्ना भाई की तरह काला कोट पहन के जाएंगे मस्ती में और मज़ा आएंगे, कॉलेज लाइफ दोबारा जिएंगे अगर हो जाता है तो। अगर मेरा उसमें नहीं होता तो फिर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। आई विल नॉट वेस्ट 1 ईयर कि मैं दोबारा लॉ की तैयारी करूँ, क्योंकि अब भाई उम्र है ना। बट आई होपफुली हो जाएगा, जून में एग्जाम है, काफ़ी टाइम है पढ़ाई करने का, हॉस्टल लाइफ जिएंगे मस्त, स्टूडेंट लाइफ जिएंगे, ऐश करेंगे। और लॉ की पढ़ाई करते करते मतलब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब मिसाल के तौर पर मुझे पता चला कि जैसे पुलिस के सामने जो गवाही देते हैं हायर कोर्ट में, वो उतनी मान्य नहीं होती, उसका इतना कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मुझे लगता है जो नॉर्मल लोगों को भी होगा, जानने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि लॉ को पता रहता है कि पुलिस डंडे लगवा के आपसे गवाही ले लेगी तो कोर्ट उसको उतना मानता नहीं है। लॉ जो है, जुडिशियल सिस्टम है, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। और कहीं ना कहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उन लोगों को पता था कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, जो पुलिस है, बाकी लोग हैं, मतलब नॉट डिसरिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, कि गरीब आदमी जो होगा उसको डंडे मार के पुलिस अपना कबूल करवाई लेगी, तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। हमें होता था कबूल कर लिया खत्म, लेकिन फिल्मों में जो देखते हैं हमें वो आइडिया होता है, बट लॉ इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये मेरा बिग अनाउंसमेंट था गाइस, तो प्रे करो भाई के लिए। और अब थोड़ा मैनेज मुझे और अच्छे से करना पड़ेगा, यूट्यूब्स के साथ साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। और लॉ मैं क्यों कर रहा हूँ, तो एरिशा का दैट्स नॉट द ओनली रीज़न वाई आई एम डूइंग लॉ, और बहुत सारे रीज़न थे जो कि मैं आपसे आगे डिस्कस करता रहूँगा। बट इंटरेस्ट बहुत था। आजकल देश में जो चल रहा है मेन रीज़न वो है कि ऐसा मुझे लगता है कि हमें अपने लीगल राइट्स की जानकारी बहुत कम होती है। जैसे आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं
किसी ने कुछ आलतू फालतू बोल दिया तो पुलिस पकड़ के ले जाती है उनको, अपने राइट्स का पता नहीं होता। आई एम अर्निंग दिस आउट ऑफ पैशन, मुझे कोई जरूरत नहीं थी करने की, बट मेरा पैशन मेरे को जागा। मुझे ऐसा लगा कि हम हमेशा सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं देश के लिए, क्या कर सकते हैं। एक सोशल इन्फ्लुएंस तो मैं बना ही सकता हूँ यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि इतने लोगों तक आवाज़ पहुँचती है, बट वो सिर्फ एक सोशल इन्फ्लुएंस तक ही रह जाता है। बट मुझे लगा कि एक सोशल इन्फ्लुएंस हो प्लस कुछ करने की पावर भी हो, जो कि मुझे लॉ एक बेस्ट जरिया लगा। अपनी एज को देखते हुए, अपने एक्सपर्टीज को देखते हुए, जितनी मेरी काबिलियत है उसको देखते हुए, मुझे लगा कि ये पार्ट मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि अगर मैं इन दोनों पावर्स को कंबाइन कर दूंगा, एक अपने सोशल मीडिया की पावर को प्लस अगर मुझे अपने राइट्स पता होंगे तो मैं कुछ लोगों के लिए लड़ सकता हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने लॉ नहीं पता होते। एम इज टू हेल्प द कंट्री, टू हेल्प द पीपल, थोड़ा बहुत जो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं तो वो मेरी कोशिश रहेगी। बट ये काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट था मेरे लिए, और तुम लोग सबसे ज़्यादा ये दुआ करना कि मेरा टेम्पो बना रहे। मैं अगर मेरा टेम्पो बना रहेगा तो एग्जाम में मैं फोड़ दूंगा। बस ये दुआ करना कि भाई बीच में टेम्पो ना लूज हो जाए मेरा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी, अपना प्यार देते रहे मुझे, जो बड़े देख रहे हो अपना आशीर्वाद देते रहे मुझे कि